आने में इतनी देर क्यों गई? बस मिला नहीं तो मैंने सोचा पैदल ही चलते। जल्दी से फ्रेश हो जा और मेरे लिए मस्त सी कॉफी बना दे। ठीक है दी। विदिता, एक और नई पीजी आ रही है। कौन है? नेत्रा नाम की कोई लड़की है। कब से आ रही है दी? नेक्स्ट वीक से आने वाली है। कब से वेट कर रही हूँ आपका? एक तो ट्रैफिक बहुत था और एक बिजनेस मीटिंग में था। आपका रहने का क्या अरेंजमेंट है? एक अंकल है, उन्होंने सजेस्ट किया क्षितिजा दी करके, उनके यहाँ जाना है। क्षितिजा दी? नेत्रा कम। प्लीज बी सीटेड। कैसा रहा तुम्हारा सफर? इट वॉज गुड। कुछ लोगी चाय कॉफी? नहीं दी, मैं ठीक हूं। तुम यहां जॉब के सिलसिले में आई हो राइट? जी। तिवारी जी ने कंडीशंस बताई? जी, तीन बताई है। पहली है कि 10 से पहले घर पे आना, दूसरी थी कि फ्रेंड्स को घर पे नहीं लाना है, तीसरी ये है कि यहाँ पर स्मोकिंग ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, अंदर जाओ, फर्स्ट लेफ्ट में ही तुम्हारा कमरा है। ठीक है दी, थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लगा मैंने नेत्रा को देखा? कहाँ? वहां। वहां? आना जरा, क्या चल रहा है ये? दो तीन दिन से देख रही हूं मैं आपसे।
जो तुम कहना चाहते हो वो मैं सुनना नहीं चाहती। आज के बाद मेरा पीछा मत कर, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे करियर के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं है। नेत्रा। जी दी। तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं दी पूछिए ना। मुझे ऐसे क्यों लगता है तुम किसी के साथ रिलेशन में हो? जी। क्या ये बात सच है? जी दी। इफ यू डोंट माइंड, क्या मुझे बता सकती है वो कौन है, क्या करता है और कहाँ रहता है? दी वो यही रहता है। तो क्या तेरा इस शहर में जॉब करने का पर्पस यही तो नहीं था? जी। एक बात तो बता, तू कितने साल से है उसके साथ रिलेशन में? पिछले एक साल से। और तेरे माँ बाप को इसके बारे में पता है? अभी नहीं बताया। बिना अपने माँ बाप को बताए उस पर इतना भरोसा कर लिया कि उसके लिए ये शहर छोड़ दिया? जी। फिर तो जरूर शादी के कोई प्लान्स होंगे? अभी कुछ सोचा नहीं है। शादी की बात नहीं की? इतना लाइटली लिया रिलेशनशिप को? ऐसी बात नहीं है। आई होप तुझे पता होगा नेत्रा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जिसके लिए तुमने शहर छोड़ा अब तक उससे शादी की बात नहीं की? जल्द ही करेंगे शादी की बात। अच्छा एक बात बता, मुझे मिलाएगी उससे? जी दी बिल्कुल। आप बताइए आपको कब मिलना है उनसे। हेलो, कहाँ हो तुम? अभी मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ। अभी भी आउट ऑफ स्टेट हो? यस। 2 महीने से दीदी मिलने के लिए बोल रही है और मुझसे भी नहीं मिल रहे हो। थोड़ा मैं अभी मीटिंग के लिए बाहर आया हूँ। तुम जब भी वापस आओगे पहुँच के मुझे कॉल करना प्लीज। ओके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कल रात को तुम किसी लड़की के साथ थे। पता चल गया? तुम्हें इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? बाहर चलते हैं। कल रात तुम किसी लड़की के साथ थे और मैं तुम्हें पूछ रही हूँ तो तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है? हमारा जो रिश्ता है वो उसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं? ऐसा है कि तुम्हें बड़ी देर से पता चला है, ऐसे मेरे कई रिश्ते हैं। ये सब तुम क्या कह रहे हो? जो भी कहा है सच कहा है, तुम यहाँ से जा सकती हो। नेत्रा दी आइए। कोई बात नहीं, आपने जो उसके बारे में बताया था वो सही कहा था। उसके और भी रिलेशंस हैं। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। मैंने मेरे पापा मम्मी को भी धोखा दिया, उनसे झूठ कहा। रोने दे उसे। नेत्रा मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो,
लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। सोच, अगर इन सब के बारे में तुझे बाद में पता चलता तो शायद बहुत देर हो जाती। अच्छा हुआ तुझे अभी पता चल गया कि वो लड़का तेरे लिए कितना गलत था। अब भी बहुत देर नहीं हुई है और ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अब तुझे अपने आप से और अपने पेरेंट्स से एक वादा करना होगा कि जो कुछ भी तूने किया वो आगे फ्यूचर में कभी नहीं करेगी। आई होप इससे तुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी जिससे आगे तो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती है। पापा। नेत्रा, तुम यहाँ कैसे बेटा? पापा, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? आपसे झूठ बोला था मैंने। जॉब के लिए मैं शहर जा रही हूँ। किसी वजह से शहर में गई थी। किस वजह से? एक लड़का था जिसे मैं पसंद करती थी। तुमने इस बारे में मुझे कभी बताया नहीं, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई तुमको? पापा, वो लड़का गलत निकला। ये तो ठीक है बेटा, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है, पर तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा विश्वास कभी तोड़ोगी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्षितिजा दी भी कैसे मैनेज कर लेती है ये सब। यंगस्टर्स को भी कितनी कॉन्फिडेंटली लाइफ लेसन दे देती है। आज तो दीदी से मैं इस बारे में जरूर बात करूंगी। दीदी, एक बात पूछूं क्या? हाँ। आपको क्या लगता है नेत्रा के बारे में? नेत्रा के साथ तो ये सब होना ही था, और वैसे भी इस उम्र में रिलेशनशिप और ये सब कॉमन बातें हैं। किसी भी रिलेशनशिप में होते हुए हमें हमारे लिमिट्स हमेशा पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस तरह हमें हमारी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। अपने मम्मी पापा से झूठ बोलना, अपने घर वालों से छुपाना और किसी बाहर वाले पर इतना ज्यादा भरोसा करना सही नहीं है। लेकिन दी, आपको इसका स्ट्रेस नहीं लगता?